भारत के अंदर अगर तीसरे मोर्चे की शुरुआत किसी ने की तो वह बहन कुमारी मायावती जी ने की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 के अंदर जब लोकसभा के इलेक्शन थे उस वक्त भी बहन जी सबसे बड़ी दावेदार थी तीसरे मोर्चे की। और आज भी अगर इस भारत में कोई तीसरा मोर्चा बनेगा तो वो बहन जी के नेतृत्व में बनेगा, वरना नहीं बनेगा, क्योंकि जिन्हें ये रहनुमाई दे रहे हैं और जिन्हें ये कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चा इसके नेतृत्व में होगा वो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सुख बुगाहट यह है सत्ता के गलियारों में कि अब क्या बहन जी आएंगी इन गलियारों के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी ये थर्ड मोर्चे की जो संकल्पना है वो भारत के अंदर अगर पैदा कोई कर सकता तो बहुजन समाज पार्टी, और उसको कोई यथार्थ में लागू कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती। और बहन कुमारी मायावती एकमात्र ऐसी शख्सियत है तीसरे मोर्चे के अंदर जो कि इस मनुवादी व्यवस्था को ही ला सकती। परंतु अगर आपका ये कह रहे हैं कि अगड़े पिछड़े कोई नहीं आ रहे तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो 2024 निकट है, नजदीक है, अगर आनिया चलेंगी तो वो बहुजन समाज पार्टी की चलेंगी और अगर कोई नेतृत्व करेगा तो वो बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। लेकिन एक सीट है विधानसभा की तो उत्तर प्रदेश में बहन जी की। अरे जब तो लोकसभा के अंदर हमारी जीरो सीट थी, हम तब भी तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े जो दावेदार थे, जब हमारी जीरो सीट आई उस वक्त भी पूरी मीडिया और सत्ता के गलियारों में ये बात हो गई थी कि तीसरा मोर्चा अगर कोई खड़ा कर सकता तो बहन कुमारी मायावती कर सकती है। और रही बात अगर आप कहते हो कि विधानसभा में एक सीट है तो विधानसभा में अगर एक सीट है तो लोकसभा में हमारे पास 10 सीटें हैं। और लोकसभा के अंदर 10 सीटों का मतलब है कि हम भारत के एक बहुत बड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो अब की बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसके अंदर 10 नहीं पूरी 200 सीटें बहुजन समाज पार्टी लेकर आएगी। पिछड़े कहते हैं कि बहन जी बीटी में बीजेपी की, उनसे मिली हुई है भाजपा से। देखिए अगर ऐसा होता तो जो सपा की दुनिया भर की फोटोज आ रही हैं, जो इनकी नीतियाँ आ रही हैं, जो इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, और रही बात हमें बी टीम की, हम हमेशा से इनके विरोधी रहे थे, हम इनके विरोधी हैं और विरोधी रहेंगे। अगर ये कहते हैं हम बी टीम हैं तो ये भी कहते थे कि बहन कुमारी मायावती सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए इनका विरोध नहीं कर रही, तो क्यों नहीं इन्होंने बहन कुमारी मायावती को राष्ट्रपति बनाया, क्यों इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। अगर हमारे अंदर सत्ता और पद की लालसा होती और लालच होता तो आज बहन कुमारी मायावती राष्ट्रपति बन जाती, जिस प्रकार ये साहब काशी राम जी को ये जो लालच और लोभ देते थे राष्ट्रपति बनाने का, वो बहन जी कई बार ठुकरा चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं बी टीम, उन्हें बी टीम जो है उन्हें कभी नजर नहीं आती, क्योंकि जब ये साहब काशीराम जी की चमचा युग पढ़ेंगे, वो सापनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़ेंगे, तब चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, कहीं भी फील्ड में नहीं दिखाई दे रही है, कैसे जीतेंगे पद? देखिए यही आप लोगों के साथ परेशानी है, अगर बहन जी बोले तो आप कहे कि सिर्फ बोलती है, अगर वो पढ़ाऊ लिख के देख के पढ़े तो आप कहते हैं लिख के देख के पढ़ती है, अगर वो ट्वीट करे तो आप कहते हैं ट्वीट करती है, आप वो सोशल मीडिया पर ना हो तो आप कहते हैं सोशल मीडिया नहीं है, वो ट्विटर ट्वीट ना करे तो कह गई सो गई, वो रुक जाए तो कहते हो डर गई। अरे भाई आप कहीं तो जीने दोगे? आप जब बहन कुमारी मायावती जी ने जब सबसे बड़े जो स्वाभिमान दलितों का बनाया लखनऊ के अंदर और नोएडा के अंदर, जो पार्क बनाए, जो अनुसूचित जाति के स्वाभिमान के लिए चीज़ें बनाई, आप लोगों ने तो उनका भी विरोध किया। आपके लोगों ने यह कहा कि हाँ स्कूल बन सकते थे, पार्क बन सकते थे, कॉलेज बन सकते थे, परंतु जो स्कूल बने हुए वो आपको नहीं दिखे। तो आपका जो ये आरोप है कि ट्वीट कर देती है, बहन कुमारी मायावती जी का हर सिपाही आज भी दिलो जान से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। लेकिन सर जिस तरह से भाजपा पूरा अपना दमखम दिखा रही है पूरे देश में, उस तरह से बहन जी नजर नहीं आ रही है सर। देखिए जितना पैसा उनके पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका एक एक गुर्गा 4-4 लाख करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है, उनके मोदी मालिया, अगर इनके जितने संसाधन अगर एक के पास भी हमारे आ जाएं तो भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक इसको बिल्कुल नीला कर देंगे और बाबा साहब और संविधान का राज लागू कर देंगे। परंतु हमारे जो लोग हैं वो एक वोट और एक नोट वाले लोग हैं, संसाधन सीमित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ये बिकाऊ मीडिया है, जो पेड मीडिया है, इसके भरोसे नहीं रहते। आप जैसे बहुजन लोग हैं, बहुजन चैनल है जो हमारी बात उठाते हैं, उन्हें पता है कि हमारी आवाज उतनी प्रमुखता से और प्रखर तरीके से उठ रही है जितना पहले उठती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखता है बहन जी को, इसलिए फील्ड में नहीं आ रही है। अरे अगर इन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखता नहीं, कब का बहन जी को जो है जेलों के पीछे पहुंचा देते। इवन इनके पास अगर आप कहते हो कि कभी सुप्रीम कोर्ट से डरती है, कभी कहते हो ईडी से डरती है, कभी कहते हो सीबीआई से डरती है, कभी कहते हो आरएसएस से डरती है, अरे
हम वो शेर हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब को मानने वाला कभी ये ईडी पीडी सीबीआई वीबीआई से नहीं डरता। अगर तुम्हारे पास सबूत होते और हम गलत होते तो आज जेल के पीछे होते। बहन कुमारी मायावती जो ताज कॉरिडोर में जब वो क्लीन चिट मिली तो तब से इनके पेट में दर्द हुआ पड़ा है कि कैसे बहन जी की जो छवि है उसको धूमिल की जाए, उसके अलावा कोई नहीं। क्या बहन जी फिर से 2024 में इस तरह से आएंगी रैली करने के लिए केवल? देखिए, अगर आप कहते हो कि बहन जी सिर्फ रैली करने के लिए आती है तो मैं आपको बता दूं कि बहन जी का संगठन का हर पदाधिकारी सड़कों पर रहता है। और अगर आपको लगता है कि बहन जी सिर्फ रैलियां करती हैं तो मैं आपको बता दूं कि मीटिंग्स और कैडर कंटिन्यू होते हैं। और जितना इस भारत के अंदर बहन कुमारी मायावती मीटिंग लेती है, जितना इस भारत के अंदर बहन कुमारी मायावती मीटिंग लेती है आपके नेता या आप तो सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के हर प्रदेश के हर कार्यकर्ता से संगठन के जो भी हमारे लोग हैं उन सबसे बहन जी प्रत्यक्ष रूप से मिलकर जो रूपरेखा और रणनीति बनाने का काम करती है। जिस तरह से आकाश आनंद मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर को पटखनी देने की पूरी कोशिश की जा रही है? जो एक वोट के लिए एक सीट के लिए जब रो रहे थे तो उसे आप शेड्यूल कास्ट की रहनुमाई ना दे, इससे पूरे समाज की बेइज्जती होती है। आप क्या तुलना करना चाहते हैं उस व्यक्ति की जो एक सीट मांगने के लिए पैर फैलाकर घुटनों पे बैठ के रो रहा था? क्या आप सोचते हो कि वो लीडर है इस समाज का? अगर आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति इस समाज की रहनुमाई करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति जिसका शायद आप नाम ले रहे थे कि आकाश आनंद के साथ तुलना कर रहे थे, अरे पहले उसे पढ़ना और बोलना सिखाओ, उसके बाद तुलना करना, और उसका संगठन का जो विस्तार है वो करवाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो भी समाज के अंदर जो काम करेगा वो तरक्की करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समाज का इतिहास यह है कि इस समाज के अंदर जो नेता हैं वो पैदा किए नहीं जाते, पैदा होते हैं। अगर आकाश आनंद में ताकत होगी और आकाश आनंद में काबिलियत होंगी तो वो अपने आप जो इस समाज को लीड करेंगे। भगवान बुद्ध के जो वंशज हैं वो भगवान बुद्ध के विचारधारा को हमने उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। सम्राट अशोक के साथ भी ऐसा हुआ, साहब काशीराम साहब के साथ भी ऐसा हुआ, बहन जी के साथ भी ऐसा हुआ। और जहाँ तक रही कि आकाश आनंद और इसकी तुलना करने की, तो मैं मानता हूँ कि अभी हमारे समाज में से नई नई जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो निकल के आएंगी। आपको जलन होती है तो होती रहे, परंतु ऐसे लीडर भारत के हर राज्य में होंगे। उन्हीं पार्कों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था कल लखनऊ में। देखिए, ये वो पार्क हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आज जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे हैं। और भारत के अंदर अगर ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जो पैसा कलेक्ट कर रहा तो वही पार्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको ये मूर्तियाँ और बुत कहते थे वो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतीक है। और आप तो कह रहे हो कि ये रैली हो रही है, अरे रैलियाँ नहीं, रेला भी होते हैं, फिल्में भी बनते हैं और मेला भी होते हैं। तो इनके अंदर जो ये बुत जिन्हें कहते हो, ये सम्मान है, स्वाभिमान है, ताकत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी ताकत तो ये तो अभी फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, आप आने तो दो हमें पूर्ण बहुमत से, तब दिखाएंगे आपको।